फ्रेंड्स, नीना की किचन में आपका स्वागत है। आज हमारे घर में बनने जा रही है, यानी कि मेरी किचन में बन रही है कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तवा पूरी होगी तो आपको बहुत ही मजा आएगा। जैसे कि भंडारे में आपका मन करता है कि कद्दू के साथ पूरी, और कद्दू के साथ पूरी ही बनाई जाती है। हमने आधा किलो कद्दू लिया है, और ये हरे वाला छिलके का है, और एक पीले वाला आता है, पर ये हमने हरे छिलके वाला कद्दू लिया है और हमने इसको धो लिया है। चलिए अब इसको हम काटते हैं। अब इसके हम इसे पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। इसकी हमने इसकी पतली पतली स्लाइस कर ली है, और हम इसको बीच में से निकाल देंगे। अब हम इसको ऐसे पतले पतले काटेंगे। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको, और पतला ही रखना है। जी देखिए, ऐसे ही होना चाहिए। ज़्यादा मोटा काटेंगे तो बहुत टाइम लगता है इसको फिर गलाने में, और आप पतला पतला काटेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी इसकी सब्जी। इसको हम ऐसे सबको काट लेंगे, और इसका जो बीज होता है उसे हम फेंक देंगे। हरे वाले में तो बीज कच्चा निकलता है, अगर आप पीला वाला लेंगे तो उसमें बीज बहुत ही पका हुआ होगा, मोटा होगा। और हरे वाला जो कद्दू होता है, हम इसको छीलेंगे नहीं, छिलके समेत ही बनाइए तो बहुत ही टेस्टी होगा। कद्दू बनाने के लिए हमने भारी तली की कढ़ाई गैस पे रख दी है। इसी के साथ हम इसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसे पकने देंगे, अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें मसाले डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच मेथी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे, और ये हमारे 2 चम्मच सौंफ है, ये डालेंगे इसमें। इसी के साथ हम 1 आधी चम्मच हींग डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। मेथी और सौंफ जरूरी होती है इसमें, इसी से इसका फ्लेवर बनता है। अब ये हमने 2 हरी मिर्च और छोटा 1/2 इंच हमने अदरक काट के डाला, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, और इसी के साथ हमने हरी मिर्चें डाली हैं, और छोटी चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, और इसके साथ फिर हम धनिया डालेंगे। धनिया हमारा 2 चम्मच धनिया डालेंगे इसमें, और अच्छे से हम इसे भून लेंगे। इसी के साथ हमने जो ये कद्दू है, जो धो लिया, काटने के बाद हमने इसे धो लिया था, अब हम इसमें डाल रहे हैं। इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक डाल के 1 चम्मच से, और ये हम 1/2 चम्मच और, यानी कि 1/2 चम्मच से भी कम इसमें नमक डाल दें। इसको ऐसे भूनेंगे, और इसी के साथ से हम ये 1/2 कटोरी यानी कि छोटी कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे इसको अच्छे से गलने के लिए। अगर हम पानी नहीं डालेंगे गलेगा हमारे देर से, और वो बाली बात नहीं रहेगी जैसे कि गलना चाहिए। अब हम इसको ढक के रख देंगे, और हम इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे जब तक इसे अच्छे से गलना जाए। अब हम इसको सब्जी को देखते हैं, ये 3 से 4 मिनट हो गए हमारे। अब हम इसको चलाएंगे, और हम इसको काट के देखते हैं। अगर हमारी सब्जी गल गई है तो सही है। अभी इसमें बस 2 मिनट और इसकी पकाई होगी, यानी कि इसको 2 मिनट और पकाएंगे हम इसमें। फिर इसके बाद हम इसमें खटाई या जो हमें खट्टा मीठा बनाना है उस प्रकार हम इसे बनाएंगे। चलिए अब सब्जी को हम देखते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, और ये अच्छे से हमारी सब्जी गल गई है, और खूब अच्छी मैशी भी हो गई है। इसको आप और हल्का सा इसको ऐसे दबा दीजिए, ये अच्छे से मैश कर दीजिए। अब इसके साथ ही हम इसमें खटाई डालेंगे, 1 चम्मच करीब हम इसमें खटाई डाल रहे हैं। इसी के साथ फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। ज़्यादा चीनी खानी है तो आप ज़्यादा मीठा खा सकते हैं, और 1/2 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, ये है खट्टा मीठा। और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसी के साथ हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। इसको हम हल्का सा
ऐसे प्रेस करते हुए भून लेंगे, तभी हमारा वो हलवाई वाला यानी कि भंडारे वाली सब्जी का टेस्ट आएगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी मैशी होती है। अगर आप पीस पीस रखेंगे तो वो भंडारे वाली स्वाद नहीं आएगी। और उसके से हम इसे भूनेंगे, कम से कम आप एक डेढ़ मिनट इसको भूनेंगे, देखिए खूब अच्छे से भुनाई होगी इसकी, देखिए नीचे भी नहीं लग रही सब्जी और अच्छे से भून रही है। चलिए अब ये सब्जी हमारी तैयार है। देखिए ये भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बनके तैयार है, खट्टी मीठी और चटपटी, जिसे हम पूरी के साथ खाएंगे। ये देखिए पूरी आज हमने बनाई है और इस पूरी के साथ इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है। वो हरा वाला कद्दू है ये, और पीला वाला हम बाद में बनाएंगे। आज हमने हरा वाला कद्दू बनाया जो कि हम छिलके समेत ही बनाते हैं, और कद्दू में अगर मेथी का तड़का ना लगाएं तो इसका फ्लेवर ही नहीं उठ के आता है, और सौंफ इसमें मस्ट है। आप मेथी और सौंफ जरूर डालिए, इसके साथ ही सूखी खटाई डालना चाहे सूखी खटाई, अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप टमाटर डालिए, और इसमें चीनी एक चम्मच या आधी चम्मच अपना मीठा जितना खा सकते हैं आप उतना ही मीठा इसमें डालिए, और इसको देखिए गर्मा गर्म पूरी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये बनाने में, ये भी टाइट नहीं है, इसका छिलका भी बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको कद्दू बनाना, अगर आपने जैसे भी बनाया अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने किस प्रकार बनाया, अगर मेरी रेसिपी से बनाया तो आप वो बता सकते हैं, अगर आपने दूसरी तरीके से कुछ बनाया है तो आप मुझे अपनी रेसिपी बता सकते हैं। थैंक यू।